दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे बीटेक में। इनके कैंपस 3 जगह हैं, भोपाल, चेन्नई और आंध्र प्रदेश, आप सभी को पता ही होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें ये रेड कलर के बटन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले पाने तो के सबसे लिए। पहले आप VIT की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएं। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं VIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको नीचे करना है, उसके बाद आपको BTech एडमिशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, तो देख सकते हैं यहाँ VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये सेशन 2019-20 के लिए लिया जा रहा है बीटेक में एडमिशन लेने के। इसका नाम है BITEEE 2019। तो ये 2 आवर 30 मिनट की टेस्ट होगी दोस्तों। और देख सकते हैं आप, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द कोर्स ऑफर्ड एट VIT वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस, VIT भोपाल, VIT सॉरी आंध्र प्रदेश। 4 कैंपस के लिए हैं, वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस, भोपाल कैंपस और आंध्र प्रदेश कैंपस। तो इनकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध होती हैं। तो आप इसको 1 नवंबर से आप इसको फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 नवंबर को इनका फॉर्म आ सकता है। आप यहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हैं 2019 के लिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, PCME फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 120 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन फोर मतलब सभी सब्जेक्ट से 40 होंगे और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन होगा। तो इसी तरीके बायोलॉजी में भी होंगे, नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये अच्छी बात है, आप सारे क्वेश्चन आंसर में टिक कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं आप, PCME PCB कैंडिडेट अपियरिंग इन PCME इज एलिजिबल फॉर ऑल BTech डिग्री प्रोग्राम एज पर VIT रैंकिंग, और PCBE एलिजिबल ओनली फॉर BTech बायो स्ट्रीम। तो मैथ वाले BTech लिए होंगे और बायोलॉजी वाले बायो स्ट्रीम डिग्री के लिए होंगे। अब आइए देखते हैं डेट ऑफ एग्जाम। तो ये प्रोबेबली सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में लिया जाएगा और नंबर ऑफ सेशन 3 होंगे एक दिन में। एग्जाम टाइमिंग देख सकते हैं, सेशन फर्स्ट के टाइमिंग 9 बजे से 11:30 बजे तक, सेकेंड सेशन के 12:30 से 3 बजे तक, और थर्ड सेशन है 4 बजे शाम से 6:30 बजे तक। तो ये इनकी टाइमिंग। आइए नीचे देखते हैं और क्या है डिटेल्स, ये आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। टेंटेटिव डेट फॉर VITEEE शेड्यूल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी नवंबर 1 से। उसके बाद VIT ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन और एडिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन February 2019 में होगा। एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, करेक्शन। स्लॉट बुकिंग आप कर सकते हैं मार्च में, और हॉल टिकट भी मार्च में आ जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम सेकेंड थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में लिया जाएगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड ऑफ अप्रैल मतलब लास्ट वीक में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट है ₹1150, और आपको यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जिसकी डायमेंशन 10 KB टू डायमेंशन सॉरी जिसकी साइज होगी 10 KB टू 200 KB और डायमेंशन 3.5 × 4.5 होगा। आपको स्कैन करके डालना है। और मोड ऑफ पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ऑफलाइन की कॉस्ट ₹1200 है और ऑनलाइन की ₹1150। मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन ही करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सब कुछ इजी वे में हो जाए। और दोस्तों इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 1 जुलाई 1997 के बाद ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में होना चाहिए +2 में, और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए। और इसके हिसाब से कैंडिडेट हुए स्टडी इन दोस्तों आप रेगुलर मोड में अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, और NIOS के कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं, बट अदर ओपन स्कूल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल मतलब NIOS छोड़ के सब एलिजिबल नहीं है।
दोस्तों यही सारी डिटेल्स शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दे, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो अपडेट्स देता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।